हाय एवरीवन, स्वागत है वापस एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप सबके मन में बहुत सारा सवाल रह रहा है कि मलेशिया वर्किंग वीजा का क्या अभी प्रोसेस है, मतलब मलेशिया का वर्किंग वीजा अभी चालू किया गया है कि नहीं चालू किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इंडिया में सवाल उठ रहा है। कोई बोल रहा है कि मलेशिया का वीजा जो है अगस्त में बंद कर दिया गया है, कोई बोल रहा है कि नहीं अभी चालू है, तो कोई बोल रहा है क्या कि मलेशिया का वीजा लगेगा ही नहीं। तो दोस्तों, इन्हीं सवाल का मैं जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मेरे वीडियो पे बहुत सारा सवाल आ रहा है और सबसे ज्यादा एक ही सवाल आ रहा है क्या कि मलेशिया वर्किंग वीजा का अभी क्या सिचुएशन, मतलब मलेशिया में वर्किंग वीजा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या कोई अभी मलेशिया में इंडिया से वर्कर्स आए हैं कि नहीं आए, मतलब कुछ अपडेट दीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में वही चीज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों को मेरे वीडियो का थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज का जो विषय आप ही लोग के ऊपर होने लगा है, मतलब आप लोग इतना ज्यादा मेरे वीडियो को कमेंट कर रहे हो, तो सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाकर आप लोगों को समझा दिया जाए, क्योंकि मैं नहीं सोचा था कि वर्किंग वीजा पे कोई वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरा वीडियो मजबूरन है, बनाना पड़ रहा है। तो प्लीज आप लोग लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा। अगर आप लोग मलेशिया आना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, क्योंकि आप लोग की इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कि मलेशिया वीजा रिलेटेड रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा मन में आप लोग का सवाल उठ रहा है, बहुत सारा सवाल भी लोग कर रहे हैं मेरे वीडियो के ऊपर में कि मलेशिया का वर्किंग वीजा चालू नहीं किया गया, आप झूठ बोल रहे हो। चाहे कोई बोल रहा है कि नहीं मलेशिया का वीजा चालू भी कर दिया गया है, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो। यहाँ पे दो टाइप का सवाल आ रहा है। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैं क्या बताया हुआ था कि मलेशिया का वीजा जो है वर्क वीजा चालू हो गया है, जो कि सभी देश के लिए 16 देश के लिए चालू किया गया था, मतलब 16 देश के लिए चालू किया गया था, लेकिन उतना रफ्तार से वीजा नहीं लग रहा था कि मतलब आप जैसे मेडिकल कराएं, मेडिकल कराने के बाद आपका वीजा जो है 30 दिन 40 दिन के अंदर आपका फ्लाइट हो जाए, ऐसा टाइप का वीजा नहीं लग रहा था। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मेरे वीडियो पर क्या कमेंट कर रहे थे, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, मलेशिया का तो वीजा कोई चालू हुआ नहीं है, मलेशिया में कोई तो जा नहीं रहा है। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि मलेशिया का वीजा रियल में चालू कर दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में ये चीज डाउट उठेगा कि आखिर में जब मलेशिया का वीजा चालू कर दिया गया, मेरा वीजा क्यों नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, जिन जिनका वीजा अभी नहीं जा रहा है उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये चीज तो आप लोगों को भी पता है कि मलेशिया जॉब के लिए बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन कर दिए थे कोविड के पहले ही, बहुत सारे लोग का फाइल लग गया था मलेशिया जॉब के लिए। चाहे फिर से कोविड के बाद जब से इंट्री स्टार्ट हुआ, तो बहुत सारे जो ऑफिस है अपना अपना मेडिकल कराकर, मतलब अपना अपना कंपनी के लिए मेडिकल कराकर मलेशिया में रजिस्ट्रेशन कर दिए। इसके लिए यहाँ पे वीजा का प्रोसेस इतना ही स्लो कर दिया गया है, मतलब एक जहाँ पे एक ऑफिस का 1800 लड़के का मेडिकल हुआ है, वहां पे वीजा जा रहा है 20-25-30 ऐसे करके वीजा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी के कारण आप लोग वीजा का जो है लेट हो रहा है। आहा बात की बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मलेशिया के वर्क वीजा फिर से बंद कर दिया गया है इस अगस्त मंथ में। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, बंद नहीं किया गया है, वो रोका गया है। पहले भी आप लोग बताया हुआ था, क्योंकि इतना ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है मलेशिया आने के लिए, मलेशिया जॉब के लिए, सभी सेक्टर के लिए, प्लांटेशन सेक्टर के लिए भी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए भी, क्योंकि जब से चालू हुआ तब से बहुत सारे लोगों का मेडिकल हो गया है। तो इसके लिए यहाँ पे स्लो कर दिया गया था प्रोसेस, मतलब कोविड के बाद से धीरे धीरे आप लोगों का वीजा जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ था कि एक बार अभी 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि अभी नए लोग एंट्री ना करें, नए लोग रजिस्ट्रेशन ना करें, इसके लिए अभी बंद कर दिया गया प्रोसेस को, लेकिन फिर से चालू कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बंद ही रह जाएगा, लेकिन इस बार जब चालू होगा ना, इस अगस्त मंथ के बाद जब चालू होगा, तो पूरी रफ्तार से चालू हो जाएगा। जैसे पहले, जैसे कोविड के पहले आप लोगों का वीजा लगता था, वैसे अब आप लोग का वीजा लगने लगेगा, वैसे आप लोग टाइम टू टाइम वीजा जाने लगेगा, मतलब 30 से 35 दिन के अंदर आप लोग फ्लाइट हो जाएगा। तो दोस्तों, यही एक अपडेट है जो कि मलेशिया वीजा रिलेटेड अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे वीडियो पे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि कोई मलेशिया में अभी आया है कि नहीं आया। तो दोस्तों, 2 दिन पहले मेरे पास भी एक अपडेट आया है कि 2 दिन पहले यहाँ पे 16 आदमी आए हुए हैं मलेशिया के अंदर में। जी हाँ दोस्तों, मलेशिया के अंदर में अभी 16 आदमी आए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी मलेशिया में एंट्री भी स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं मेरे वीडियो को कि अभी मेडिकल कराना सही रहेगा कि नहीं रहेगा मलेशिया के लिए। दोस्तों, मैं उन सबको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेडिकल कराना चाहते हो तो मेडिकल करा लो, लेकिन मेडिकल कराने के बाद अगर आप लोग सोचो कि जल्द से जल्द मेरा काम हो जाए, जल्द से जल्द मेरा वीजा चला जाए, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, आपका प्रोसेस में स्लो होगा, क्योंकि जिन जिनका पहले मेडिकल हुआ है उनका अभी वीजा नहीं गया है। ठीक है, जिनका जिनका अभी 3 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, उन लोग का भी अभी तक वीजा नहीं गया था। दोस्तों, अभी अगर आप लोग नए करते हो मेडिकल, तो अभी आप लोग को टाइम लग सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग सोचो कि आज मैं मेडिकल करूँगा, 30 दिन के अंदर मेरा फ्लाइट हो जाए, तो दोस्तों अभी आप लोग का ऐसा फ्लाइट नहीं होगा, वैसे आपका वीजा नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों, ये एक अपडेट था मलेशिया से जो निकल गया, मैं आप सबको बता दिया। तो इस वीडियो से बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लियो तो मेरे वीडियो को अगर आप लोग लाइक करना, अगर आप लोग मेरे चैनल बनाए हो तो मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग जाए, क्योंकि मैं ऐसे ही मलेशिया रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर टाइम टाइम में बनाते हैं। पसीना देखिए निकालना पड़ रहा है, फैन भी ऑफ करके वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि फैन चालू करने के बाद बहुत ज़्यादा वॉइस में नॉइस आने लगता है, और मेरे रूम में एसी नहीं है भाई, उतना भी मैं एफोर्ड नहीं कर सकता हूँ।